गुड मॉर्निंग न्यूज डॉट इन जो आपको रखे सबसे आगे। ए भैया नहीं लगेगा, हाथ हटा लीजिए, टेढ़ा हुआ है। अब सर को हम देख रहे हैं, लगेगा तो जो सजा दीजिएगा ले लेंगे। और उसके बाद ये मौका लगा, तो फिर जो नया कार्यकाल आया है उसका पहला काम करने का मौका मिला। एक सवाल है सर, किसान 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 लोग काफी रोज से आज कृषि मंत्री रहे, कैसे देखते हैं? देखिए एक बात आप जान लीजिए, कहा जा रहा है कि सरकार बातचीत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की कठिनाई नहीं आने वाली। और आप तो जान रहे हैं मोबाइल है कौन है, 2006 महीने खत्म कर दिया था, और 2006 के बाद से जो प्रोक्योरमेंट है हम लोग पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं, और पहले तो यहाँ प्रोक्योरमेंट होता नहीं था, और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो देश भर में इसके बारे में जो किया गया है, तो जरूरत इस बात की है कि इसमें लोगों के बीच में बातचीत हो जाए, और केंद्र सरकार तो चाहती है किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो जब बातचीत हो जाएगी तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली। प्रोक्योरमेंट होगा और जो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उनको मिलेगा, इसलिए हम नहीं समझ रहे हैं कि इसके बारे में अकारण हो रहा है, ये किसी चीज के बारे में छोटा कैमरा है। और बिहार तो इसका उदाहरण है, 2000 लेने में कोशिश ये भैया तरीके से कीजिए ना बॉस, ये तो 2006 के बाद से ही हम लोगों ने इस काम को यहाँ पर शुरू किया, तो देखना चाहिए। और हम लोग प्रोक्योरमेंट शुरू किए और कितने बड़े पैमाने पर प्रोक्योरमेंट, और इस बार तो हम लोगों का लक्ष्य है कि 30 लाख टन से भी ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होगा, चाहे जितना भी प्रोक्योरमेंट हो, तो हम लोग तो जानते हैं और देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक बातचीत नहीं होगी, और जो लोग भी अभियान चला रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, उनको भी चाहिए बातचीत करना। केंद्र सरकार के साथ लोग बातचीत करेंगे तभी तो बात सामने आएगी, नहीं तो मान लीजिए कि कोई इस व्यापार में लगा हुआ था तो वो क्या सोच रहा है वो एक अलग बात। भैया हाथ नीचे कर लो, पूरे तौर पर किसानों के हित में ये काम आप हैं बॉस, ये किसानों को फायदा पहुंचाने वाला है ना, तो इसलिए इसके बारे में ठीक ढंग से डायलॉग होना चाहिए। और जो केंद्र सरकार कह रही है कि हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, लोगों को बात करना लिमिटेड बनाए, और आप देख लीजिएगा कि ये विशेष तौर पर एक सड़क है उसके ऊपर एलिवेटेड, उसके बाद उसको भी एक और उसके ऊपर एलिवेटेड क्रॉस कर रहे हैं, पहली बार सोचा कि, और उसके बारे में केंद्र सरकार के भी अधिकारी आए, सब लोगों को लगा कि नहीं बहुत अच्छा आइडिया, तो ये हमने ही सुझाव दिया था और उसके बाद ये हुआ। और ये तो 2018 तक हो जाना था इसका लक्ष्य, लेकिन चूंकि आरोपी बनने में देर हुई और फिर हम लोगों ने बातचीत किया माननीय रेल मंत्री जी से और यहाँ रेल के अधिकारियों से, तो तेजी से यहाँ पर काम शुरू हुआ। अब चूंकि आरोपी जरूरी था, जब आरोपी बन गया रोड ओवर ब्रिज, तो उसके बाद लिंक हो गया, और अब आप समझ लीजिए कि लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कितनी सहूलियत हो। अब जाने का एक ही रास्ता नहीं, नीचे से भी आने का रास्ता है, और दूर से लोग चलेंगे तो अब कितना कम समय में लोग पहुंच पाएंगे। और आप जानते हैं कि धीरे धीरे और ज़्यादा व्हीकल्स की संख्या बढ़ती है, आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, तो वैसी स्थिति में जो ये नया और एलिवेटेड के ऊपर भी एलिवेटेड पथ का निर्माण किया गया है, ये बहुत ही उपयोगी है। और आप देख लीजिए बिहार की एक खास चाहत थी और वो पूरा हुआ, ये बात अलग है कि हम उसको 2018 में कर देते, लेकिन उसके बाद चूंकि आरओबी का भी काम पूरा हुआ, अब उसके बाद ये मौका लगा, तो फिर जो नया कार्यकाल आया है उसका पहला काम करने का मौका मिला, तो बड़ी खुशी। एक सवाल है सर, किसान बेली रोड से कनेक्ट किया जाएगा, किसान लोग फार्मर बिल को लेकर काफी रोष से अभी कृषि मंत्री रहे, कैसे देखते हैं? देखिए एक बात आप जानते, जो बात चल रही है ये जब तक जो कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, बातचीत करना चाहिए और उनको बताना चाहिए प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की कठिनाई नहीं आने वाली। और आप तो जान रहे हैं बिहार लोगों ने तो शुरू में 2006 महीने खत्म कर दिया था, और 2006 के बाद से जो प्रोक्योरमेंट है हम लोग पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं, और पहले तो यहाँ प्रोक्योरमेंट होता नहीं था, और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं ये काम।
तो देश भर में इसके बारे में जो किया गया है तो जरूरत इस बात की है लोगों के बीच में बातचीत हो जाए, और केंद्र सरकार तो चाहती है किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो जब बातचीत हो जाएगी तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग न्यूज़.इन जो आपको रखे सबसे आगे।